आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। जी हाँ, ये आंगनबाड़ी केंद्र में ताला बंद है, जहाँ के कलेक्टर और CDPO के द्वारा ये फोटो ही खींच के परियोजना ग्रुप में डाल दिया गया था। तो ऐसा अभी तक रीजन सामने नहीं आया कि आखिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहाँ पे थी, आंगनबाड़ी सहायिका और बच्चे कहाँ पे थे। आंगनबाड़ी को बंद करने का ना कोई कारण दिया गया, ना ही किसी भी प्रकार का कोई एप्लीकेशन दिया गया कि आखिर आंगनबाड़ी केंद्र बंद क्यों है, जिसके ऊपर यहाँ के कलेक्टर के द्वारा जांच बैठा दी गई है। तो जो भी कारण हो, अगर आपको भी छुट्टी लेनी हो, मैं आंगनबाड़ी बहनों से निवेदन करता हूँ, किसी भी कारणवश अगर आपको छुट्टी लेनी है, उसका जो एक एप्लीकेशन होता है, आप वो छुट्टी का जो एप्लीकेशन आप लिख के आप अपने परियोजना या सुपरवाइजर को दे सकते हैं, उसके बाद ही आप वहाँ से जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं बहनों आज की अगली खबर पर। तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सेवानिवृत्त होने पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,00,000 रुपये। जी हाँ, जब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिटायर होंगी, चाहे वो 50 साल, 55 साल या 60 साल में, जब भी रिटायरमेंट का जो नियम है, जब भी वो रिटायरमेंट हो तो उनको 1,00,000। उसके अलावा जब सहायिका रिटायर हो तो सहायिका को 75,000 रुपये दिए जाने की मांग को लेके अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो कल होने वाला है। अब ये हड़ताल कितने बजे से, कब और कहाँ होगा, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1,00,000, सहायिका को 75,000 रुपये की जो मांग को लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल है, उसके बारे में देखा जाएगा। साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था, उन्होंने बताया था कि पिछली सरकार में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी को लेके बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उनको अभी तक पूरा नहीं किया है। अब बढ़ते हैं आगे कि संभागीय जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम लीला शर्मा है, उन्होंने बताया कि शासकीय वेतन भोगी घोषित करें। जी हाँ, जो संभागीय अध्यक्ष हैं तो उन्होंने ये कहा कि हमें भी शासकीय वेतन भोगी घोषित किया जाए, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं बहनों को पोषण ट्रैकर बंद करने के लिए। जी हाँ, पोषण ट्रैकर में भी क्या कि देखिए, संपर्क ऐप और पोषण ट्रैकर का जो ऐप है, ये दोनों ही क्रैश हो जा रहे हैं। ना इसमें हम प्रॉपर तरीके से जानकारियाँ दे पा रहे हैं, न हम जानकारियाँ भर पा रहे हैं। यहाँ तक कि कई आंगनबाड़ी बहनें भरने के बाद इतनी मेहनत से तो उसमें जानकारियाँ भरी और उसके बाद वो डिलीट भी हो जाता है। साथ ही जहाँ भी जिन जिलों में या फिर मोबाइल है तो मोबाइल के साथ बैलेंस भी दें, और हिंदी बिना परीक्षा के प्रत्येक विभाग का जो प्रमोशन वाला चीज़ इन्होंने चलाया है, ये बहुत ही गलत है, इसको भी सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि विभाग में बिना प्रमोशन और अनुकंपा का जो नियुक्ति देने का है वो करें, जो मिनी आंगनबाड़ी हैं कि जो बहनें हैं उनको भी बराबरी का दर्जा दिया जाए, और उनको उनके में भी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए, ये भी जो है आंगनबाड़ी सहायिकाओं का कहना। जाहिर सी बात है, चाहे मिनी आंगनबाड़ी हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, दोनों में काम तो बराबर होता है, दोनों में काम वही होना है। तो फिर मिनी आंगनबाड़ी जो बहनें हैं उनको आंगनबाड़ी से कम का दर्जा क्यों दिया जाए, इसीलिए बराबरी की दर्जा देने पे भी यहाँ पे मांग उठी है। साथ ही उनमें भी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंटी को लेके बात करने की जो है कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ये जो होने वाला है सम्मेलन, अब आप इसे कह लें या आंदोलन कह लें, तो ये कल, जी हाँ, आज शनिवार है, कल रविवार को सुबह 11 बजे गेंडा जी धर्मशाला परिसर गुजराती बाजार में होगा। तो जो वहाँ की आंगनबाड़ी बहनें इस चीज़ को देख रही हैं तो वो इस सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, और जो वहाँ के संभागीय अध्यक्ष जी माननीय लीला शर्मा जी वहाँ उपस्थित रहेंगी, उनसे अपनी बात कहें। साथ ही वहाँ पे प्रसिद्धाध्यक्ष भी रहेंगे, आप कार्यवाहक अध्यक्ष मिसलेश तिवारी भी रहेंगे। तो आंगनबाड़ी संघ के जितने भी, चाहे वो संभागीय अध्यक्ष हों, कार्यवाहक अध्यक्ष हों या प्रदेशाध्यक्ष हों, वो सब वहाँ पे उपस्थित हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों को यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। अब दिला दे कि पिछली बार भी हम आपको बताया था कि याद दिला दें कि संघ का हड़ताल बाध्य हो रहा था, कहीं जगहों पर रेलवे स्टेशन तक तो बहनें पहुंची थीं कि वो भोपाल में जाके वहां पे आंदोलन में हिस्सा लें, लेकिन उनको रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया था। तो ये चीज़ें इस बार नहीं होंगी, तो इस चीज़ को आपको जाके वहाँ पे देखना है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है, सम्मेलन आज भी चालू हो सकता है, बाकी कल रविवार को 11 बजे से आंदोलन, तो कन्फर्म ही आप समझिए।
तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है वो आज भी होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। जी हाँ, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है जिसमें आपको बैठना है, ये 2 दिन 4 दिन या 10 दिन का भी इसमें समय लग सकता है। तो इसी के साथ बहनों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको क्या परेशानी है या फिर क्या कौन सी ऐसी आपकी खबरें हैं जो हम अपने वीडियो में दिखा सकते हैं, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और साथ ही नीचे नंबर चल रहा है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने ज़िले की जो भी खबरें आपको लगता है कि आंगनबाड़ी से रिलेटेड है और हमको दिखाना चाहिए अपने चैनल के माध्यम से बहनों, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर सीधे आप उस खबर को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।